ముఖానికి సైడ్ पर रेडर पर क्या 200 रुपए पर मैं इसको भाई पर भी यूट्यूब पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे। प्रेस की टीम जीत गया था 1100 रुपए सुनील डेली के बदलाना प्रेस के नाम से ये वो देंगे। और निंजा भाई साहब के राहुल इस समय रोड पर क्या पर क्या देखते क्या कुंडन पॉइंट ले पाएगा और लेके पर सुसाइड भाई। इसके बाद पहले सेमीफाइनल की दोनों टीमें शीला कंडक्टर की और भैंसवाई की खेल मैदान पर आ जाए अपने आप को तैयार कर ले। शीला कंडक्टर वर्सेस भैंसवा दोनों टीमें अपने आप को तैयार करके आ जाए और फिर आखिरी सेमीफाइनल दूसरा सेमीफाइनल इस मैच की विनर टीम ग्रीन आर्मी के साथ खेलेगी। दो नंबर जर्सी का खिलाड़ी राहुल इस समय रोड पर सामने बिल्कुल प्यार पर प्यार प्रवेश की जो टीम है बैटिंग करने की तरफ मोहित दूसरी तरफ प्रवेश गांव मोटा आपके अपने गांव का ही खिलाड़ी आपके अपने क्षेत्र का ही खिलाड़ी पता। यदि इस मैच में प्रवेश की टीम जीतती है तो लक्की स्पोर्ट्स वियर हाउसिंग बोर्ड लक्की स्पोर्ट्स वियर हाउसिंग बोर्ड निवासी हाजीपुर बात करते समय काम करता होगा। हाँ 200 रुपए प्रवेश आ चुके भाई को ताली मारो भाई साथियों प्रवीण भाई के नाम की 200 रुपए आ चुके हैं और लगन कैच का बदला कैच लगा दिया भाई साथियों प्रवेश को बना। अब रेड पर आ रहा है अनुज गांव सुताना जिला पानीपत। हाँ पर मेरे भाई भी प्यारे खिलाड़ी रहे हैं इसी वजह से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है भाई ने बिल्कुल प्रवेश किए गए कैच पर 200 रुपए जमा दे दिए हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेड पर फिर कुंडन इस समय रेड करता हुआ साथियों कुंडन रेड पर और लीजिए बस कुंदन को कैच लगा दी। ये तो थोड़ा वो मदद कर दे यार जो वर्कर थी थोड़ा जो वो चला रहा था मार दे अब रोड पर बस दर्शक साथियों 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पवन और उसके ताते का पाथेरा जिला महेंद्रगढ़ इस समय रेड करता हुआ और बिल्कुल बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी मैं आपका अपने जिले का जिला स्टार बिल्कुल दोनों गौरवों की बात करें तो बिल्कुल राजीव ने इस समय गौर में संभाले राजीव चोरू राजस्थान से बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और जो दूसरी तरफ हम मोहित और भूमर जी और नीचे पर साथियों बिल्कुल कैच लगा दी है प्रदीप माता सिलारपुर की तरफ से प्रवेश का स्वागत करते हैं। हाँ सोलह का बलवंत थानेदार की तरफ से प्रवेश को किए जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शन चाहती हूँ 13 नंबर जर्सी का खिलाड़ी नाम अनुज गांव सुताना जिला पानीपत इस समय रोड पर और सामने आदमपुर की टीम के अच्छा खिलाड़ी बिल्कुल प्यार पर प्यार बड़ी बेहतरीन टीम है कवर पोजिशन के दोनों खिलाड़ी राजीव और दीक्षित कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर मान दूसरे कॉर्नर पर मोहित और भंगुरची बड़ी संतुलित टीम और बेहतरीन टीम है देखते हैं जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पवन ने जिताते इस समय डिसाइड रेड करता हुआ 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई पवन पाथेरा इस समय रेड पर सामने चार खिलाड़ी बिल्कुल प्यार करते हैं देखते कौन प्रयास करेगा नवीन पर लगातार प्रयास करता हुआ और सामने आने से लेकिन पॉइंट आते ही दोनों मुकाबला है अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ यह मैच जीतने वाली टीम को 15,000 रुपए का टिकट मिल जाएगा कि आप वही सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे।
हम रोड पर विकसित गांव आदम पूछा चर्ची बाजरी का एक शानदार ऑलराउंडर का टीम ऑलराउंडर हमें रोड रोड बिल्कुल डिसाइड रोड पर अच्छा मुकाबला तो मैं टाई बनाने में भी जाता हूँ बहुत अच्छा मुकाबला बिल्कुल अगर बैठ कर डिफेंस में दस नंबर जर्सी का खिलाड़ी कौन और घटाते इस समय रेडी करता हुआ साथी बिल्कुल आपके अपने जिले का अगला स्टार खिलाड़ी अगर जिस तरह सचिन पवन ने देश और दुनिया में नाम कमाया है पवन भी उसी रास्ते पर चल रहा है उसी प्रकार का खेल उसी प्रकार का अटैक और मूवमेंट अब रोड पर नवीन गांव मोरखा जिला पानीपत पटना पायलट्स के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है खिलाड़ी तीन टीम में बड़ा अच्छा मुकाबला आपके बीच में आदमपुर स्कोर जैसा नहीं होता खिलाड़ी सबका होता सबके प्यार की जरूरत है आपके बड़े क्षेत्र का खिलाड़ी ये अगर दीक्षित रहा आदमपुर की अच्छी बात भी कल शिकार कर गया और पॉइंट आदमपुर के पक्ष में 10-7 का स्कोर आखिरी खिलाड़ी इस समय रोड पर लोलता की तरफ से ऑल आउट बचाना बड़ी जिम्मेदारी है बहुत ही शानदार मुकाबला आपके बीच में है स्कोर की बात करें तो 13 पॉइंट हो चुके हैं साथ आदमपुर के इधर बोल देना भाई 13 आदमपुर 7 हाँ 13-7 का स्कोर है 6 पॉइंट की लीड आदमपुर के पक्ष में आ चुकी है लेकिन राहुल इस समय रोड पर राहुल यदि आदमपुर का इस मैच में बने रहना है लीड में तो राहुल का शिकार करना होगा साथियों का लेकिन अब तक के इस मैच की बात करें बड़ा बेहतरीन मुकाबला हाँ बिल्कुल हाँ हाथ की क्या था हाथ की क्या था पहली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी साहिल जामलाल इस समय रोड पर और फिर पॉइंट साहिल ने अर्जित कर दिया राजू चोरू से और सातवां प्रवेश भी जय और अब रोड पर भाई कुंदन राजस्थान प्रदेश का खिलाड़ी है चूरू जिले का खिलाड़ी इस समय रोड पर कुंदन पॉइंट ले चुका है भाई साथियों और सत्रह ग्यारह का स्कोर भी राहुल इस समय फिर रोड पर और यदि इस मैच में आदमपुर की टीम आगे है आदमपुर की तरफ से इस समय डिसाइड रोड पॉइंट की करता है क्या करता है बड़ा काम कर चुका है ऑल आउट के करीब बदल दिया है टीम को Thank you.
पार्टी में एक कार्य पारित कर दो। 24-11 का स्कोर बड़ा शानदार मुकाबला। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी साथियों का कि अपने गांव के अपने क्षेत्र के बच्चों को इस तरीके से मान सम्मान और वहां भी चाहिए क्योंकि ये खेल के लुप्त होते जा रहे हैं, ये दोबारा से जागरूक होने चाहिए। ये हमारे ग्रामीण अंचल के खेल है और ये बहुत शानदार खिलाड़ी है। आने वाला बेहतरीन डिफेंडर में से एक है गांव आदमपुर का दूसरा सब खिलाड़ी। यदि प्रवेश की टीम जीतती है तो सचिन यादव मरियाना 1100 रुपए देंगे प्रवेश को। सचिन मरियाना 1100 रुपए देंगे पर प्रवेश की 200 रुपए की जो कैश है उसको वायरल कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बिल्कुल धन्यवाद सा कर दिया प्रवेश का। आज पूरा मरियाना गांव लेकिन जो भी साथी घोषणाएं कर रहे हैं ये आखिरी 5 मिनट से सफर बनाई जी एक मिनट मम्मी जब मजा सौ रुपये बताए प्रवेश को। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गांव मरियाना के सभी साथियों का, ताली बजा दो उधर मरियाना के लिए। और भाई टीम अगर सुरक्षित जोन में आ चुकी है प्रवेश की, ये जो घोषणा हुई थी इनको अब अंजाम दिया जाएगा। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, खिलाड़ी सब अपने हैं। बहुत अच्छा मैच चल रहा है, कुंडल इस समय रोड पर। हेलो मैं प्रेरणा बोले बीच में पहले सेमीफाइनल की दोनों टीम में आ जाए। 200 वर्षीय शीला कनेक्टो, 200 वर्षीय शीला कनेक्टो आखिरी 4 मिनट भाई अजीत कनाइया 1600 रुपए अजीत कनाइया, हाँ अजीत कनाइया पावर प्लांट वाले आर प्लांट वाले, हाँ वो 1100 रुपए दे रहे हैं प्रवेश का। आज हाँ प्रवेश